कहीं भी बैठे, देखो ड्राइवर जो होता है उसको सवारी अगर डिस्टर्ब करे तो ये भी ठीक नहीं होता है। मैंने खुद देखा है, एक बस लेके जा रहा था तो सवारियों में जो पीछे ही ड्राइवर के बैठे थे वो उसको बोल रहे थे नीचे से काट ले ऊपर से ले ले, बार बार उसको कह रहा था, ए क्या कर रहा है क्या कर रहा है। और ड्राइवर को गुस्सा आ गया, उसने कहा तेरे बाप ने चलाई कभी गाड़ी? उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं चलाई। फिर क्यों बकवास कर रहा, चुप बैठ, अब की बार बोला तो गाड़ी नहर में लेके कूद जाऊंगा। तो ड्राइवर खुश रहे तो ठीक रहे, तो सफर ठीक रहता है, सवारी भी ठीक रहे। इतना ही कहता हूँ, किसी ने ऐसे कहा है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं ये आरियों के साथ। आप चेहरे कोई भी उदास लेके नहीं बैठे, मायूस न होइए, एकदम मुखर हो जाइए। बहनों के लिए निवेदन करता हूँ कि पूरा मुंह खोल के हंसे जब भी। हाँ ये बहनें क्या करती हैं, अभी कर रही हैं ये बहन जी, देखा आपने, नहीं इनकी गलती नहीं है बहन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहनें जब भी हंसती हैं तो मुंह पे ढक्कन लगा लेती हैं, वो भी अभी ऐसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाया करो, कहीं निकल के गिरना पड़े। पर अगर कैसेट ओरिजिनल है और गिरने का कोई खतरा नहीं है तो पूरा मुंह खोल के हंसेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है, ये दो तरफी प्रक्रिया है, इन कवि और शायरों के पास कोई वाद्य यंत्र तो होते नहीं हैं, आप ही हैं जो इनमें ऊर्जा भरेंगे। आप ये समझ लें कि आपकी तालियां इनके लिए वही काम करेंगी जो अमर सिंह के लिए जया प्रदा करती हैं। तो आप मेरी बात से सहमत हैं? तो जो भी कवि शायर आए उसका जितना आप हौसला बढ़ाएंगे, जितनी ऊर्जा आप देंगे, हौसला बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप आके उसके सिर पे हाथ रखें और तब आशीर्वाद देंगे, नहीं, वहीं बैठे बैठे जब आप तालियां बजाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि ताली बजाने का एक टेक्निक आया है नया, कि अपने ये बायां हाथ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें इसके बीच हथेली में, क्या ये बहनों के लिए टेक्निक है, मेरी बहनें बैठी हैं, तो इस हाथ की हथेली में आपने उनकी, जिनका नाम नहीं लेते हैं अक्सर, उनकी तस्वीर देखने का कोशिश करेंगे। तो ये हाथ अपने आप जाएगा उधर, हाँ जितना चाहो बजाओ, ये बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको अवसर प्रदान कर रहा हूँ, बहाना चाहिए ना, लेकिन आपके लिए नहीं है सर, पुरुषों के लिए दूसरी बात है, पुरुषों को दूसरा काम करना है, उसकी टेक्निक समझें आप, कि ये बायां हाथ आगे बढ़ाएं और इसमें वो नहीं जो आप सोच रहे हैं वो नहीं करना है, उसके लिए बहुत 56 इंच का सीना चाहिए, वो नहीं करना है, उसमें जो शादी कराता है बिचौलिया उसकी फोटो देखना है। फिर अपने आप बजेगी। अब मुझे याद है एक आदमी एक पार्टी में गया तो ढोल वाला वहां आया हुआ था, उसने दोनों तरफ ढोल के जो उसका पर्दा होता है ना, ढोल जिसको बजाता है, और दोनों तरफ दो महिलाओं की फोटो लगाया था। तो मैंने पूछा ये कोई हीरोइन तो है नहीं, लगता नहीं, तूने किसका फोटो लगाया? उसने कहा एक तरफ मेरी बीवी का है,
एक तरफ मेरी सास का है, तो उधर तो मौका मिलता नहीं है, इधर जम के बजा लेता हूँ, अपने मन की कर लेता हूँ। आप अपने मन में कोई मलाल रखे नहीं, बजाना खूब जम के बजाओ। हॉल में बैठे हैं, कोई खतरा है नहीं किसी प्रकार का भी। बस एक काम करना है, ठीक वक्त पर बजाना है, क्योंकि बेवजह जो दाद देते हैं, बेवजह जो दाद देते हैं, कैक्टस को खाद देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कैक्टस को खाद देना की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ सीधे सीधे, समय का अभाव है, अभी तो नहीं है, पर अब मेरे लिए तो है ही नहीं, तो फिर भी निवेदन करता हूँ, हमारा कार्यक्रम ताकि शुरू हो और माँ वाणी का दीप प्रज्वलन अभी हो नहीं पाया है मेरा। अच्छा, जल नहीं रहा है, तो ठीक है, हो गया वो। तो शब्दों के द्वारा माँ की अर्चना, वाणी, माँ वाणी की वंदना, आप मेरा आशय समझ रहे हैं, और सरस्वती पुत्री हमारे मंच पर मौजूद है, तो क्यों ना हम उन्हीं से निवेदन करें। तो मैं निवेदन करता हूँ अपनी अलका मिश्रा जी, कानपुर से आई हैं और यूपी से आई हैं, यूपी वालों का तो विशेष स्वागत होता ही है बम्बई में, तो आप विशेष स्वागत कैसे करते हैं, एक बार तालियां बजाइए और आमंत्रित कीजिए अलका मिश्रा जी माँ वाणी वंदना के लिए। माँ शारदे को नमन करती हूँ और उनके चरणों में शब्द रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, सुनेगा। वंदना वाणी तुम्हारी कर रही हूँ भावना से, ज्ञान का दो दान सबको बस इसी एक कामना से। वंदना वाणी तुम्हारी मर्म की बातें करूं मैं, धर्म मानव का धरूं मैं, सत्य का संज्ञान लेकर कर्म के पथ को वरूं मैं, चलते चलते थम न जाए पग किसी अवमानना से। वंदना वाणी तुम्हारी हो बड़ों का मान जिसमें, नारी का सम्मान जिसमें, उन विचारों को मिटा दो है तनिक अभिमान जिसमें, राष्ट्र को उन्नत बना दो बांट कर सद्भावना से। वंदना वाणी तुम्हारी। और माँ मानव धर्म क्या है उसके लिए माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उतनी शक्ति दे, सुनिएगा। कि दूसरों के काम आऊं, स्वार्थ में मैं खो न जाऊं, अपनेपन का दीप लेकर प्रेम की ज्योति जलाऊं, ध्यान रखना गिर ना जाए मन किसी दुर्भावना से। वंदना वाणी तुम्हारी। और अंतिम बंद माँ के चरणों में हम सब की तरफ से रखती हूँ, सुनिएगा।
शब्द का भंडार भर दो, अर्थ मुखरित मुझ में कर दो, लेखनी का स्वर अमर हो, माँ मुझे ये वरद वर दो, काव्य सरिता बन बहू मैं, आस की संभावना से वंदना वाणी तुम्हारी। धन्यवाद।